अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नेशनल कोल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं सिट्टू के तत्वावधान में बेरमो कोलांचल क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मजदूर दिवस मनाया गया। सिट्टू कार्यालय कोमिया, पोकारो थर्मल, जारिंडी, तुगदा आदि शाखाओं में झंडोत्तोलन कर मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर सिट्टू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था मानव के हितों को पूरा नहीं कर सकती, मजदूरों को अपने अधिकार के लिए एकजुट होना होगा। झारखंड राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव श्याम सुंदर महतो ने कहा कि किसानों के नुकसान पर सरकार कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है, यथाशीघ्र किसानों की हुई नुकसान की भरपाई करें। वहीं सिट्टू के बोकारो जिला सचिव प्रदीप कुमार विश्वास ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में वर्तमान की केंद्र सरकार सांप्रदायिक राजनीति करने का जो घिनौना काम कर रही है उसका सिट्टू घोर निंदा करती है। इस दौरान सिट्टू के जिला उपाध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह दिनकर, माकपा के गोमिया अंचल सचिव राकेश कुमार सहित दर्जनों सिट्टू कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन हम देश और दुनिया के मजदूरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मजदूरों के द्वारा जो 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन का जो व्यवस्था शिकागो के मजदूरों ने कुर्बानी देकर लाया है उसे कायम रखने के लिए मजदूरों को, किसानों को और आम जनता को और भी एकजुट होने की जरूरत है। इस कोरोना वायरस के समय में यह साफ हो गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था मानव जाति के हितों को पूरा नहीं कर सकती है और ना ही वह अर्थव्यवस्था को बचाए रख सकती है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था को। आज अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अपने को कहता है, आज वह देश स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण के वजह से और अपनी राजनीति के वजह से पूरे तरह से लाचार हो गया है और लाखों की संख्या में गरीब मौत के शिकार हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो परिस्थिति जो आई है पूरे देश के अंदर में, किसानों का सबसे भयंकर जो है संकट आई है और उस संकट के घड़ी में सरकार केवल भाषणबाजी कर रही है। उनके जो है उपज का दाम तो मिला ही नहीं, मिल भी नहीं रहा। इसीलिए मेरी मांग है जो पूरे देश के अंदर में किसानों की जो बर्बादी हुई है उसके भरपाई के लिए केंद्र सरकार यथाशीघ्र कार्रवाई करे और उसको भरपाई के लिए उसको जो है मदद करे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उन तमाम प्रवासी मजदूर जो जगहों पर लाखों की संख्या में फंसे हुए हैं, तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसको जल्द से जल्द उनके अपने राज्यों में उनको जो है सो भेजने का व्यवस्था करें और उनका रोजी रोजगार का व्यवस्था करें। और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस के समय में भी जिस प्रकार से सांप्रदायिकरण करने का जो वर्तमान केंद्र सरकार का जो नीति रहा है हम उसका निंदा करते हैं। और अभी इस समय जहाँ हम 8 घंटे का लड़ाई को जीत चुके हैं, आज ये केंद्र सरकार अपनी नीति में बदलाव लाकर उसको जो है सो 12 घंटा करने का प्रक्रिया ला रही है। हम इसका CITU की ओर से तीव्र निंदा करते हैं, विरोध करते हैं।